हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप खुद से कैसे आय प्रमाण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहेगा, इस वीडियो के अंत तक। इसमें मैं सारे प्रोसेस और जो भी स्टेप्स इसमें होंगे, मैं आपको सारी चीज़ें और सारी डिटेल्स आपको इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में ओपन करेंगे ये बिहार सर्विस प्लस का पोर्टल। जैसे कि आप हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पोर्टल आप ओपन कर लेंगे। और उसके बाद ओपन करने के बाद इस पे आपको अब मेरी पहचान वाला जो वेबसाइट है, वहाँ आईडी बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए राइट हैंड साइड में जो लॉग इन का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे, एक विंडो खुलेगा और लॉग इन के लिए आगे बढ़े जो बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और या इसके बाद मेरी पहचान के जो वेबसाइट है, वहाँ पे ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर लेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद, यहाँ पे यूज़र नेम एंटर पासवर्ड के बाद, यहाँ पे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टू स्टेप ऑथेंटिकेशन में आप ईमेल के द्वारा, मोबाइल पे ओटीपी के द्वारा, और तीन ऑप्शन है। हम ओटीपी फॉर मोबाइल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही वहाँ पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इस वेबसाइट से, वो ओटीपी एंटर जाएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट पे करेंगे, तो हम लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें बिहार स्टेट सर्विसेज वाला जो लिंक है, वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, बिहार सर्विस प्लस प्रोडक्शन, यहाँ पे एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम सर्विस प्लस की वेबसाइट पे आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑल सर्विसेज पे जाएंगे, व्यू ऑल सर्विसेज जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आय प्रमाण पत्र के लिए सिंपली INC लिखेंगे, तो इनकम के तीनों लेवल हमें दिख जाएंगे। और यहाँ पे हम RO लेवल पे क्लिक करते हैं, RO लेवल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आवेदन का विवरण। ये सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे। दोस्तों, हिंदी में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही इंग्लिश में लिख के स्पेस एंटर करेंगे हिंदी में, वो नाम सामने वाले बॉक्स में आपको दिख जाएगा। तो ऐसे ही हम सारी डिटेल फिल कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अपना आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर देंगे, तो क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे वो ईमेल आईडी और मोबाइल के थ्रू ही हमें देखने को मिलेंगे। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको देना जरूरी है। और यहाँ पे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि जहाँ भी स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, वो चीज़ वो फील्ड भरना जरूरी है। वैसे हम यहाँ पे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत, वार्ड और ग्राम का नाम, और उसके बाद आपका जो भी ग्राम पंचायत है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके गाँव का जो भी नाम है वो लिख लेंगे। उसके बाद थाना, पुलिस स्टेशन और फोटो वगैरह अपलोड कर लेंगे। फोटो एक ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों, आपका फोटो स्वप्रमाणित होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, तो आवेदन का उद्देश्य क्या है वो हम यहाँ पे देंगे। जो भी आपका आवेदन का उद्देश्य है वो यहाँ पे एंटर कर लेंगे। हालांकि इसमें स्टार नहीं लगा है, लेकिन इसको भरना आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनकम के लिए है, तो आप कुछ डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद जो भी सरकारी सेवा से आय आपकी कितनी है, व्यावसायिक आय कितनी है, कुल वार्षिक आय आपकी कितनी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, तो कैप्चा कोड यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। कैप्चा कोड जो भी आपको दिया गया होगा, वहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे। और उसके बाद ड्राफ्ट पे कर देंगे। दोस्तों, ड्राफ्ट पे करने के बाद यहाँ पे हमें ओके देखने को मिला है। ड्राफ्ट करने से ये होता है कि आपकी जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएंगी। और सेव होने के बाद हम ये सारी डिटेल एक बार दोबारा रीचेक कर लेंगे आगे बढ़ने से पहले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारी डिटेल रीचेक करने के बाद हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक किया, तो एक दूसरा पेज ओपन होगा अभी, जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पे अटैच एनेक्सर जो बटन है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपना जो भी आईडी के कई सारे ऑप्शन हैं, हम आधार चूज किए हैं। आधार चूज करने के बाद अपलोड कर दिए आधार का फोटो। उसके बाद सेव एनेक्सर बटन पे हमने क्लिक किया। जैसे वहाँ पे क्लिक किया, तो नीचे यहाँ पे ये डिटेल्स आप चेक कर लेंगे। उसके बाद हम सिंपली सबमिट, जो भी हमने डिटेल है सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो एक दूसरा पेज जो फॉर्म हमारा फिल किया है, वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आवेदन संख्या आपको देखने को मिल जाएगा, और सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि जो है वो भी आपको दिख जाएगी। और राइट हैंड साइड में सेवा प्रदान करने की तिथि 10 कार्य दिवस में। उसके बाद अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, तो एक्सपोर्ट टू PDF बटन पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ से क्लोज बटन पे प्रेस करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।